नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन और मैं हूं रंजीत झा। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज रविवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। इसके अनुसार जदयू झारखंड सहित 4 राज्यों में अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ेगा, मतलब बीजेपी का कोई साथ नहीं चाहिए। पार्टी बिहार के बाहर अपना विस्तार चाहती है। बैठक में नीतीश कुमार ने यह भी साफ कर दिया कि जदयू बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में है, लेकिन यहां विधानसभा चुनाव में भी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, बाकी बाद वो अपना अलग रास्ता तय करेगा। जदयू की बात हो रही थी तो प्रशांत किशोर की भी बात करते हैं। प्रशांत किशोर भी आज बैठक में मौजूद थे। उम्मीद की जा रही थी कि जो पश्चिम बंगाल में प्रशांत किशोर ममता बनर्जी से मिले थे उस पर विवाद पे जो विवाद चल रहा है उस पर वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रशांत किशोर बैठक में बोले ही नहीं, उन्हें मौका ही नहीं मिला। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्ष और बिहार के विभिन्न जिला अध्यक्ष ने भी शिरकत की, लेकिन प्रशांत किशोर वहाँ पर कुछ नहीं बोले। अब पहले हम बता देते हैं कि किस 4 राज्यों में जदयू अलग से चुनाव लड़ने जा रहा है। जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले यह माना जा रहा था कि पार्टी औपचारिक रूप से झारखंड में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कर सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 अन्य राज्यों का भी नाम ले लिया जहां पर वो बीजेपी से यानी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेगा। यानी हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड के अलावा इन 3 राज्यों में जदयू अलग से चुनाव लड़ेगा। यह सीएम नीतीश कुमार का चौंकाने वाला फैसला है और यह कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से पास भी कर दिया गया कि जदयू झारखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर इन जगहों पे अलग से चुनाव में उतरेगा। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए की जबरदस्त जीत घटक दलों की एकजुटता का परिणाम है, लेकिन इन परिणामों के साथ ही जदयू का देश के दूसरे राज्यों में भी विस्तार जरूरी है और इसी विस्तार की वजह से अन्य 4 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने की बात हुई है। अब बताते हैं कि बैठक में क्या हुआ। मिली जानकारी के अनुसार जदयू की बैठक में मुख्य रूप से संगठन के मुद्दों पर विचार किया गया। लोकसभा चुनाव के बाद अब पार्टी की नज़र अगले साल के बिहार विधानसभा चुनाव पर है। इसको लेकर संगठन के विस्तार और इसकी मजबूती पर जोर दिया गया। पार्टी ने हाल ही में 50 लाख नए सदस्य बनाने का फैसला इसी कड़ी के तहत लाया है, जिसके अनुसार 50 लाख नए सदस्य जदयू में जोड़े जाएंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव परिणाम और केंद्रीय मंत्रिमंडल में सांकेतिक भागीदारी से इनकार के बाद की स्थिति पर भी चर्चा इस कार्यकारिणी की बैठक में की गई। सबसे बड़ी बात, झारखंड चुनाव को लेकर जो बड़ा फैसला आया, क्योंकि बैठक में झारखंड विधानसभा के चुनाव को लेकर जदयू ने यह निर्णय लिया कि झारखंड में हमें बीजेपी का साथ नहीं चाहिए, अकेले लड़ना है। वहाँ पर यही तय किया गया है कि विधानसभा चुनाव वहाँ अकेले लड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए कहा था कि झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी करेगी, झारखंड से आने वाले नेताओं से इस पर राय भी ली जाएगी, और राय ली गई। और खास बात यह भी है कि जदयू बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में अपनी अलग राजनीतिक गतिविधि चलाने के राह पर है। अरुणाचल प्रदेश में जदयू ने बम्पर परफॉर्मेंस दिया है अपने हिसाब से, वहाँ पे पार्टी को दर्जा भी मिला है। तो विधानसभा चुनाव में जदयू ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहाँ पर 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। अब जदयू ने झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है, मतलब साफ है कि झारखंड में बीजेपी के खिलाफ जदयू वहाँ पर खड़ा होगा और झारखंड में अभी भी बीजेपी की सरकार है, रघुवर दास वहाँ सीएम है, तो इस मामले में टक्कर ज़बरदस्त होने वाली है। अब किस मायने में यह बैठक महत्वपूर्ण रही थी? जदयू की आज की बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण थी कि यह पार्टी के केंद्र सरकार में शामिल नहीं होने के फैसले के बाद की पहली बैठक थी। यह बैठक प्रशांत किशोर के ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति बनाने के फैसले के बाद उठे विवाद के बाद हुई। बैठक के पहले नीतीश कुमार साफ कर चुके थे कि प्रशांत किशोर की एजेंसी से जदयू का कोई संबंध नहीं है। प्रशांत की एजेंसी किस राज्य में किस पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाती है इससे भी पार्टी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि इस मामले में प्रशांत किशोर को जवाब देना चाहिए, उन्हें जवाब देना होगा। माना जा रहा था कि बैठक में प्रशांत किशोर इस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा ही नहीं।
प्रशांत किशोर की एजेंसी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को चुनावी सहयोग करने जा रही है, जबकि वहां ममता का मुकाबला बीजेपी से है जो एनडीए में जदयू के साथ है। सबसे बड़ी बात यही है कि प्रशांत किशोर जो जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो वहाँ बंगाल जाएंगे और बंगाल में ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति तैयार करेंगे और मुकाबला बीजेपी से करवाएंगे। यानी एनडीए के साथी दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में प्लानिंग करेंगे कि कैसे बीजेपी को वहाँ हराना है और कैसे ममता बनर्जी को जिताना है। यह सबसे बड़ा सवाल है, यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी में जदयू के नंबर टू माने जाते हैं प्रशांत किशोर, जदयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ने के बाद और किसी गठबंधन में रहने के बाद ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में जाकर के चुनाव की रणनीति तैयार करना यह वाकई में सवाल तो खड़े करता ही है और देश भर की सियासत को भी सोचने पर मजबूर करता है कि किसी अन्य पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी एक एजेंसी के सहारे किसी दूसरी पार्टी की मदद करता है ताकि वहाँ पर अपने सहयोगी दल को हराया जा सके। इसका जवाब शायद बीजेपी भी मांगे या जदयू में भी इस बात की चर्चा उठे या अन्य विरोधी दल इस पर जरूर सवाल खड़ा कर सकते हैं और देखिए इस पर होता क्या है। नीतीश कुमार से उम्मीद जताई जा रही थी वो कोई स्टैंड लेंगे, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है उनकी कंपनी की, वो जहाँ पर एजेंसी जहाँ चलाते हैं। और साथ ही और जो उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रशांत किशोर आज कार्यकारिणी की बैठक में इस बात का जवाब भी देंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर तो कुछ बोले ही नहीं और बंगाल में उनकी रणनीति उनकी प्लानिंग ममता बनर्जी के लिए जारी रहेगी। तो बीजेपी पे यह कितना भारी पड़ेगा या बीजेपी को इससे कुछ लाभ मिल सकता है यह भी एक इंतजार ही है और इंतजार के बाद आपको ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तब तक झारखंड के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, वहां पर भी प्लानिंग तैयार है, बीजेपी 65 पार के मूड में है, तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू वहां भी बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरने जा रही है। तो ऐसी स्थिति में कई दिलचस्प वाकये होने वाले हैं, दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं पार्टी पॉलिटिक्स में, देश की सियासत में। जदयू और बीजेपी का गठबंधन एनडीए कब तक साथ रहता है, क्या इस चुनाव के बाद कोई असर पड़ेगा, इन सब चीज़ों पर देश भर की नज़र है, हमारी भी नज़र है। जो भी अपडेट्स होंगे हम सबसे पहले आपके पास पहुँचाएंगे, तब तक आप देखते रहिए before.print.in। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।